सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान से जहां लोग यातायात नियमों की अनुपालना के प्रति अधिक सजग तथा जागरूक हुए हैं, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी 10% की कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने हमीर भवन में जिला हमीरपुर के समस्त निजी वाहन ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों के लिए सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी। सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियानों का असर अब दिखने लगा है। लगातार करवाए जा रहे ऐसे अभियानों से जहां लोग यातायात नियमों की अनुपालना के प्रति अधिक सजग हुए हैं, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी 10% की कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने हमीर भवन में दी। वे यहाँ जिला हमीरपुर के समस्त निजी वाहन ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों के लिए सड़क सुरक्षा पर आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक दल का गठन किया है, जो सड़क सुरक्षा को लेकर मीडिया व ऑडियो वीडियो जिंगल के माध्यम से आम लोगों में जागरूकता पैदा करेगा। इस अवसर पर एचआरटीसी निदेशक मंडल सदस्य बलदेव धीमान, आरटीओ वीरेंद्र शर्मा, आरटीए सदस्य पवन शर्मा, पवन कुमार, आरटीओ बिलासपुर आर के पराशर पर जिला ट्रैफिक इंचार्ज पाल सिंह भी मौजूद रहे। आज की मीटिंग बेसिकली हमारा रोड सेफ्टी के ऊपर वर्कशॉप थी, जिसमें हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हमारे पुलिस के लोग थे और साथ में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन थी और प्रेस के लोग भी थे। मेनली इसमें था कि हम रोड सेफ्टी के बारे में, एक जो स्टेट का रिजॉल्व है कि हम स्टेट को रोड सेफ्टी में हम एक बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री स्टेट बनाएंगे, और दूसरा जीरो चलान स्टेट, बिकॉज हमारा चलान करना जो एम नहीं है, एम है कि रोड सेफ्टी को एक कल्चर के रूप में डेवलप करके हम एक आदत रोड सेफ्टी को बनाएं और हमारे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो डेथ उसमें हो रही है उसको हम जीरो कर सकें।